Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. So now we head towards the one-on-one interviews. Here only? Okay. ओके तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, गाना आ चुका है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही अच्छा बनाया गया, तो जरा बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस जैगुआर वाली कुड़ी? हमें तो देखो, आप उन्हीं को देख रहे यार, कब से नहीं नहीं हम सवाल उनसे पूछ रहे हो? नहीं नहीं, हम दोनों से बातें कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, आई नो माना कि जैगुआर वाली कुड़ी है, लेकिन आप जैगुआर वाले मुंडे भी तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो क्या कह रहे थे आप सवाल? बहुत ही अच्छा गाना बनाया गया है, कैसा रहा एक दूसरे के साथ का एक्सपीरियंस शूटिंग का? फैंटास्टिक, इट वाज लवली वर्किंग विद चांदनी एंड काफ़ी मज़ा आया ये गाना शूट करके। दिस इज़ माय फर्स्ट पंजाबी वीडियो, एक्चुअली मेरा म्यूज़िक वीडियो में ये मेरा पहला ही म्यूज़िक वीडियो है। सो हमेशा मेमोरीज हमेशा रहती है, लाइफ टाइम, वट एवर यू डू फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वन। ऐसे मुझे बहुत सारे ऐसे म्यूज़िक वीडियोज आते हैं, बट दिस थिंग यू नो रियली अट्रैक्टेड मी अ लॉट, बिकॉज ये मुझे ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग में आने के कैपेबिलिटी में है। एंड इससे पहले जो भी मुझे गाने आते थे वो हमेशा वो रोमांटिक गाने और वही मतलब क्या कहते हैं, वो एक गाना आज फिर क्या कर लिया, लोगों को लगता है उसके बाद वही सिर्फ कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा था यार उसके अलावा जो भी कुछ आया था मैं करूँगा, एंड दिस इज़ वॉट समथिंग, इट वॉज डिफरेंट एंड यूनिक, सो मैंने हाँ कही। जी जी, चांदनी जी आप बताइए कि कैसा रहा हैंडसम होस्ट, हैंडसम एक्टर कहे जाते हैं हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, उनके साथ में आपका ये पहला गाना है, पहला सिंगल, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस जय भानुशाली जी के साथ? क्योंकि जैसा आपको डायरेक्टर असलम खान ने बताया अभी कि पहले मेरा कास्टिंग हुआ था और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप किसको चाहेंगे, तो मैंने बोला मुझे अभी तक लग रहा था कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मेहरबानी से मैं था, तो खाली फोकट में उनको थैंक यू बोला था मैं, तुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं, सो आई सेड कि मुझे जय जी के साथ काम करना है जी। सो फिर इन्हें अप्रोच किया गया, ऑफकोर्स इनका कॉल था वो लेना, बट इन्हें भी गाना अच्छा लगा और हमने ये सॉन्ग साथ में शूट किया, बहुत फन था, इट वॉज लाइक अ पार्टी क्योंकि पूरी रात का शूट था। सो या अच्छा, कोई पर्टिकुलर रीजन आपने इन्हें ही चूज किया भाई? थोड़ा सा हाँ, क्योंकि इनका पहला इंटरव्यू है। मेरा घर तोड़ दे। नहीं नहीं, आपका घर कभी नहीं टूटेगा, तू सवाल ऐसे पूछ। हाँ, क्योंकि मैंने इन्हें टीवी पे देखा है और जो इन्होंने सॉन्ग्स किए हैं इतने रोमांटिक, और तो ऑब्वियसली हर लड़की को ऐसा रोमांटिक लवर चाहिए, सो जी सॉन्ग में सॉन्ग अपने ऑपोजिट, या सो बिल्कुल दैट्स व्हाई। तो बताइए कि आप लोगों को जैगुआर की राइडिंग की अगर हम बात करें, या जैगुआर की राइडिंग कितनी पसंद आती है? बहुत पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, सबको पसंद आती है। इनफैक्ट एक सीक्वेंस था जहाँ पर इनको गाड़ी में बैठ कर गाड़ी चलानी थी और मैडम को आगे जाना था, उन्होंने पीछे घुमा दी थी, तो अचानक से बजट हमको लग रहा था कि ये कम से कम 1.5 करोड़ का म्यूज़िक वीडियो होने वाला है। तब जो मालिक था गाड़ी का वो आके बोलता है कि बस गाड़ी खड़ी कर दो, तो ये फिर उन्होंने आजू बाजू सब नाची लेकिन गाड़ी फिर चलाने नहीं दी। उससे पहले तो मुझे डायरेक्टर ने और कोरियोग्राफर ने पूछा कि आपको ड्राइव करना आता है, तो उससे 5-10 मिनट पहले मैंने रिहर्सल्स की थी। अच्छा, अमेज में। उसके बाद भी रिवर्स पे की गाड़ी अमेज पर मुझे जैगुआर पकड़ा दी, तो बिल्कुल आपके फैंस के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि गाना ऑन एयर हो चुका है। बिल्कुल, सो आई जस्ट वांट टू से एवरीवन दैट प्लीज गिव ऑल द लव टू दिस सॉन्ग, एंड चांदनी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, सो देखिए इसे, पसंद कीजिए, लाइक शेयर करते रहिए, एंड आई एम टू एक्साइटेड फॉर ऑल द टिकटॉक वीडियोस। मैं देखना चाहूँगा कि किस तरह से यूनिक यूनिक आइडियाज से लोग आजकल, मैं देखता हूँ ना, स्पेशली हमारा जो लोखंड वाला बैक रोड हो गया है उसका नाम बदल के टिकटॉक वाली गली हो गई है, मतलब मैं हर बार जाता हूँ वहाँ पे कोई ना कोई तो मुझे दिख ही जाता है। सो मुझे लगता है वो आजकल वैसे भी सिटीज़ के नेम चेंज होते जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, बॉम्बे मुंबई हो रहा है, बिल्कुल, तो मैं चाहता हूँ लोग बैक रोड लोखंड वाला का नाम हटा के बैक रोड टिकटॉक वाला कर दो, क्योंकि
जितने भी मैं यू नो बाहर से मैं देखता हूँ, बहुत सारे फैंस आते हैं यू नो इन टिकटॉक वाले लोगों को मिलने के लिए, यू नो सारे टैलेंटेड लोगों को मिलने के लिए, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आइए हमारे बैक रोड में, वो उनका फिल्म सिटी है, प्लीज़ जैसे हमारा गोरेगांव फिल्म सिटी है, हमारे लिए ये इनकी फिल्म सिटी है बैक रोड, आइए आपको ढेर सारे मिलेंगे, और शाम को यू नो ट्वाइलाइट के टाइम पर तो डेफिनेटली मिलेंगे, बिकॉज उस टाइम पर बड़े अच्छे वीडियोज़ मिलते हैं। हाँ चंदी जी, ऑन एयर हो चुका गाना, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगी कि ये फर्स्ट हिंदी एल्बम है मेरा और जय का भी, सो शावर लॉट्स ऑफ लव और बहुत शेयर करिए गाने को, सुपर डुपर हिट बनाइए ताकि हम इसके सीक्वल के साथ आ सकें। क्या बात है, जय को और रीलोडेड की तैयारी हो रही है, सीक्वल में भी आप इन्हें चूज करें? ऑफ कोर्स। चलो बस आज घर जाके ऑल द बेस्ट, बस अभी यही प्रे करूंगा कि अगले महीने की भी जो मेरे घर की हमाई है वो इन्हीं की वजह से निकले, सो प्लीज़ अगर सीक्वल बनता है तो हमें ज़रूर सिलेक्ट करना, और हम टिकटॉक वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैंस से और सभी टिकटॉकर्स से और जैसे भी, आई थिंक ही इज़ गोना कम, आई एम आल्सो वेरी एक्साइटेड टू शो माय टिकटॉक स्किल्स या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुड लक।